हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये सोचा है कि इस महीने आपको स्टैंडर्ड का ज्ञान देते रहेंगे। लास्ट मंथ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एसएस 700 सीरीज। जैसे हमने इस बार आपके लिए लॉन्च किया है ईक्यूसीएस सिंप्लीफाइड, वैसे ही आपकी स्टैंडर्ड्स की जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए इस मंथ वी आर अपलोडिंग एसए 500 सीरीज। जस्ट द प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा इस प्रीवियस चैनल पे, दैट इज ऑन एसए 500, एंड इस बार आज के दिन पे हमको पढ़ना है एसए 501। बट बिफोर आई बिगिन दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल गाइज, प्रोफेशनल एथिक्स एंड फिस्कल ऑडिट इज ऑलरेडी लॉन्च ऑन द स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सेकेंडली, जो प्लस बैचेस एंड द रेगुलर बैचेस है फॉर सी ए फाइनल May 23 आर ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्च्ड। सो जिनको भी ये प्लस बैचेस एनरोल करना है, यू कैन यूज द कोड ऑडिट्स आर टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन फॉर होल रेगुलर बैच ऑफ ऑडिटिंग। चलिए, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ एसए 501। एसए 501, वन ऑफ द वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड टू स्टडी। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड, अगेन अ क्विक राउंड ऑफ ब्रीफ अबाउट द स्टैंडर्ड, देन हम लोग टेक्स्ट में जाकर के उसको पढ़ेंगे। देखिए, ऑडिट एविडेंसेस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये और एक स्टैंडर्ड एविडेंसेस के ऊपर क्या कर रहा है? हेडिंग देख लो एक बार। सो ऑडिट एविडेंसेस ऑलरेडी कवर्ड अंडर 500, यहाँ पे 501 क्या कह रहा है? सी 501 came with a specific purpose. 501 also talks about audit evidences, but that is for specific consideration for selected items. Now, this standard specifically talks about three things. Pehla, inventory. Dusra, litigations and claims. Teesra, segment reporting. So specifically, 501 is in existence for these three particular specific items. ठीक है, सो मैम एक मिनट, ये क्यों अचानक से अलग से? अब ये स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसी बातें करने वाले हैं कि इन्वेंट्री के लिए जो assertions होते हैं, जैसे कि existence and condition. So here, this standard has given us a specific procedure to verify the assertions with regards to inventory. मैम कौन से assertion? चलो लिख करके अंडरस्टैंड करते हैं. ऐसे 501 also talks about audit evidences. Audit evidences. And ye audit evidences jo hai, these are for some specific items. Kya hai ye sab? Teen items ke baare mein they are giving us a specific procedure. Sabse pehla what I told you was, inventory. दूसरा वाला was litigations and claims, and तीसरा वाला is segment report. So okay, just recall the background of audit. जैसे हम लोग audit करना शुरू करते हैं, ऑडिट करने में हमारा सबसे प्राइमरी एजेंडा होता है टू वेरीफाई द असर्शंस विच आर अटैच्ड टू द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असर्शंस, या असर्शंस का मतलब होता है दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन विच द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू गिव अस, विच द मैनेजमेंट वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड कि इम्प्लाइड है। तो यहाँ पे एक तारा और यहाँ पे तारा जमीन पर। सबसे पहले मैं आपको सिखा देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्शन। So assertions are nothing but these are the explicit expressions, representations about the item of financial statements जो मैनेजमेंट ने हमें दिया है। मैम मतलब क्या? सी फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई शो पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू द कंपनी,
if this building belongs to the company, don't you feel? In my balance sheet, when I see the liner PPE mein 50 crore rupay, the reader of the financial statements automatically will understand ki management ye kehne ki koshish kar raha hai ki this building belongs to me, the company. This building has a real worth of 50 crores. The PPE value is a complete figure. मतलब इसमें कोई भी PPE को हम लोगों ने छोड़ नहीं दिया है, कोई भी PPE unnecessary लिखा नहीं है. It is a complete figure. Yes, and हाँ, अगर ये building लिखा है, आप ये भी समझ पाओगे कि this building is in existence. Building टूट नहीं गया. ऐसा नहीं कि एक जमाने पहले हमारा building हुआ करता था. No, means there are certain expressions, there are certain representation with the one-liner PPE which stands in the balance sheet. You will try understanding. You will try assuming. These assumptions are known as assertions. So, these assertions are divided on the basis of item P&L ki hai, balance sheet ki hai, ya disclosures ki. Hai na? Yeah. Balance sheet ko hum log PR se audit mein kya kehte hai? Hum log PR se balance sheet ko audit mein kehte hai account balances. P&L ko hum log PR se kehte hai क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स को हम भी डिस्क्लोजर्स ही कहते हैं. सो नोट्स इज डिसाइडेड एज डिस्क्लोजर्स. सो व्हाट आर द असर्शंस फॉर अकाउंट बैलेंसेस? द असर्शंस आर ERCV. मतलब एनी आइटम फॉर बैलेंस शीट यू सी द असर्शंस आर ERCV. यूजुअली यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते PPE. हम लोग क्या कहेंगे कि दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वी विल अज्यूम दैट इफ इट ऑल इट इज स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट इट एग्जिस्टेड एज ऑन 31st of March. द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिलोंग्स टू द कंपनी. द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिलोंग्स टू द कंपनी. The amount is a complete amount. The disclosure, the value is a complete value. It is a complete information. Nothing is omitted, nothing is exaggerated, or nothing is left out. It is a complete information about PPE. And the value, jaise maine aapko kaha 50 crore rupees of that building. So it is a correct value. It is not overvalued, neither it is undervalued. It is a fair value which is required to be presented as per AS 10 or Ind AS 16 as the case may be. जो भी company follow कर रहा है उसके हिसाब से ये सही value है. This valuation. Next आता है P&L के लिए या फिर class of transaction के लिए. Example के लिए transaction ले लो salary. चलेगा? चलो salary. So salary के लिए सबसे पहली बात जो हम लोग समझेंगे, say for example हमारा P&L में एक figure आपको दिख रहा है P&L debit salary. सैलरी अगर P&L डेबिट में दिख रही है, आप एक चीज़ अज्यूम करेंगे, अच्छा मैडम ने के लिमिटेड में सैलरी का खर्चा शो किया है एट 100 CR, मतलब ये खर्चा हुआ होगा. व्हाट इज हुआ होगा? अकर्ड. सो दैट एक्सपेंसेस हैज अकर्ड. इसको हम लोग बोलते हैं अकरेंस. नेक्स्ट इज कट ऑफ. वॉट इज कट ऑफ? सी आज हम लोगों ने P&L डेबिट में कुछ अमाउंट लिखा है, सो यू विल टोटली अग्री टू दिस. दिस खर्चा विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड एंड टू 31st of March. 1st April 31st of March, बस इतना ही पीरियड कवर्ड होगा. 1st April 31st of March मीन्स यू आर गिविंग अ पॉज टू द खर्चा एज ऑन 31st of March. दैट इज कट ऑफ. यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करेंगे द सैलरी इज जस्ट फॉर दैट पीरियड फॉर विच वी आर vouching it, for which we are sharing the assurance. A is accuracy. आज अगर आप कोई भी financial statements का salary check करोगे तो आप मन में ये तो नहीं ठान लोगे ना, अच्छा इन्होंने लिखा है 15 lakh या फिर 100 crore रुपए, ये तो गलती होगा, ये number तो calculation में mistake होगा ही होगा, excel sheet corrupt हो गई होगी. नहीं, we assume that this number is a correct number. That is accuracy. Next is complete. आज अगर मैंने सैलरी में एक अमाउंट लिखा है जैसे कि 100 crore रुपए, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा 100 crore में अमित भाई की सैलरी इंक्लूड नहीं की होगी, आरती की सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, आशीष की तो सैलरी इंक्लूड हो ही नहीं होगी. अरे क्यों? सैलरी मतलब सैलरी, इट इंक्लूड्स द सैलरी फॉर ऑल द टीम मेंबर्स विच वी हैव फॉर द कंपनी.
दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज स्टेटेड इन द पीएनएल पीएनएल डेबिट सैलरी एंड उतना उतना अमाउंट यू हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एंड लास्ट क्लासिफिकेशन. Whenever we write the word salary, you will assume, you will understand that salary will have the payroll expenses in. आप ये assume नहीं करोगे, अच्छा मैम ने salary लिखा है, मतलब purchase का number amount भी salary में लिखा होगा, मतलब किताबों का पैसा जो मैम देते हैं वो salary में include होगा. अरे भाई नहीं, salary मतलब salary. What expenses which I have incurred for the employee for the payroll is included under that classification of salary. So these are the assertions. When you read the financials, as a user, you will assume these facts. Auditor का काम यही होता है कि ये जो facts है ना, उसको verify करे. ये जो assertions है ना, उसके लिए evidences इकट्ठा करे. तो TOC, TOD क्यों कर रहे हैं हम लोग? Presentation of financial statements के लिए. Financial statements के अंदर, underlying ये जो सारे assertions है ना, उसको check करने के. ठीक है? And disclosures में we fairly say कि यहाँ पे all the things will be added. And there are additional points, that is understandability. कि जो भी disclosures है, that is increasing the understandability of the financial statements. They are increasing reliability of the financial statements. So what is this? These are the assertions. Assertion का अभी सही मायने में मतलब पता चले, तो assertions are explicit expressions which the auditor has to assume, yeah, the user of the financial statements will assume that the management is making such representations. ठीक है मैम, ये क्यों सिखाया अचानक? इसके लिए क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड हमें तीन चीजों के बारे में स्पेसिफिक ड्यूटी देता है एंड इन तीन चीजों के स्पेसिफिक assertions को चेक करने बोलता है. जहां पे वो लोग बात करते हैं इन्वेंट्री की, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू apply procedures in order to verify existence and condition of inventory. Existence and condition of inventory. जब भी हम लोग बात करें litigations and claims की, so auditor will have to verify कि अगर कोई केस चल रहा है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है. कंप्लीटनेस विथ रिगार्ड्स टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स. क्यों? क्योंकि इस लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड ये इंफॉर्मेशन सही है, कंप्लीट है, कोई केस चल रहा है, आपने इंफॉर्मेशन ओमिट तो नहीं कर दी. सो यू आर वेरी मच कीन अबाउट द प्रोविजन एंड द कंटिजेंसी विच आर रिलेटेड टू कोई केस, कोई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स. हेंस वी आर हियर टू वेरीफाई विच असर्शन, कंप्लीटनेस. Segment reporting, again, a very beautiful concept out over here. See, segment reporting as per AS 17 or be it Ind AS 108 के हिसाब से भी अगर आप देखने जाए ना, तो segment reporting is a presentation standard. अगर आप AFRF follow कर रहे हो, आप management हो company के, आप accountant हो company के, आपने company के लिए segment reporting बनाया as per Ind AS. Ind AS में क्या लिख करके दिया है आप लोगों को? Ind AS में क्या valuation कैसा करना है ये लिखा है. इंडिया में क्या लिखा है? इंडिया में लिखा है कि सेगमेंट रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कैसे करना. सो सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव इज अ प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. सो आपको भी यही प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग वेरीफाई करना. सो हाउ द मैनेजमेंट इज बाइफर्केटिंग द एक्सपेंसेस बिटवीन टू सेगमेंट्स, हाउ द मैनेजमेंट इज अलोकेटिंग द असेट्स इनकम्स बिटवीन टू सेगमेंट्स. सो ये आपको वेरीफाई करना है, दैट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ सेगमेंट. Presentation and disclosures. So what is this? These are the three assertions for three specific items जो ऐसे 501 ने हमें देकर के रखा है कि ये specific assertions को verify करके हैं, और specific assertions को verify करने के लिए उन्होंने specific procedures देकर के रखे. Do you all understand the meaning and the objective behind ऐसे 501? चल तो अब यहाँ पे start करते हैं. पहला concept 1 और यहाँ पे लगा दो 1. Inventory.
सी इन्वेंट्री इज अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट, वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन यू आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल्स. क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री दो जगह पे पाई जाती है, पहला आपके असेट साइड पे, दूसरा आपके क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे. अगर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों को लगा कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को इन्फ्लेट कर देंगे. ऑटोमेटिकली द PNL विल राइज, प्रॉफिट विल राइज, तो वहाँ पे रिजर्व्स विल राइज, और रिजर्व्स के सामने उतना करंट असेट तो ऑलरेडी खड़ा है. सो दिस इज़ अ वेरी ईजी स्टेप. अगर मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडुलेंट की बनाने हैं, मुझे विंडो ड्रेसिंग करनी है, तो दिस इज अ वेरी ईजी थिंग. आपको वैसे भी कैसे पता चलने वाला, अगर मैंने यहाँ पे खाली कार्टून्स रख दिए, ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, और आप ऑडिटर मेरे कंपनी में आ रहे हैं कि अरे सॉरी इन्वेंट्री पड़ी है, सॉरी इतनी सॉरी इन्वेंट्री पड़ी, आपको अग्री करना ही पड़ेगा, है ना. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ओवर वैल्यूएशन कर रही हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू शो द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे मैनिपुलेशन होने के हाई चांसेस है. इसके लिए 501 ने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि रुको रिस्पेक्टेड ऑडिटर्स, आप ना मैनेजमेंट की दी हुई बातों पर डायरेक्ट भरोसा मत करो. तो सबसे प्राइमरी स्टेप जो उन्होंने आपको दे करके रखा है, यू कम टू द गोडाउन, यू चेक. अब यहाँ पे मेरा ऑडिटर आया हुआ है एंड ऑडिटर ही हिमसेल्फ विल विजिट द गोडाउन, चेक द इन्वेंट्री, चेक द मटेरियल्स एज ऑन 31st of March. 31 मार्च का बैलेंसेस बताओ मुझे, उसी दिन का बैलेंसेस मैं आपको अलाउ करूंगा टू राइट इट इन द बैलेंस शीट. इतना समझा? चलो तो प्रोसीजर्स फ्रेम करते हैं. सबसे पहला वो लोग मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बोलते सी यू हैव टू वेरीफाई, कौन सा असर्शन था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन. और एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वेरीफाई करने के लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑडिटर को खुद जाना पड़ेगा. एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन तो सबसे पहला स्टेप. फिजिकली वेरीफाई इन्वेंट्री एज एट 31st of March 2023-24, जो भी साल का ऑडिट आप कर रहे हो, एज एट दिस डेट. हमने ऑडिटर को बोला, ऑडिटर पहुंच गया 31 मार्च पे, वेरी गुड. अब वो वहां जाकर के करेगा क्या, गोपाल ऐसा नहीं. ऑडिटर वहां पहुंचने के बाद करेगा मोटी नहीं MOIT, क्या करेगा, जोर से बोलो मेरे साथ साथ, मोटी नहीं MOIT, ठीक है. व्हाट इज MOIT? MOIT का मतलब होता है मैनेजमेंट ने भी, देख कहीं ना कहीं कारों में ये चीज़ वेरी क्लियर होती है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. आप जाकर के मैनेजमेंट की इस प्रोसेस को इवैल्यूएट कर लो. सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कि वो सही मायने में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है ना. मैनेजमेंट खुद, मतलब आप तो ऑडिटर हो, बट मैनेजमेंट खुद इस गोडाउन में जा करके खुद इन्वेंट्री का स्टॉक टेकिंग वगैरह कर रहा है ना, उसको इवैल्यूएट करो. यू ऑब्जर्व द स्टॉक काउंटिंग, द प्रोसेस, द मैनेजमेंट प्रोसेस के यार ये सही तरीके से काउंटिंग. कई बार ना आपने देखा भी होगा स्टॉक ऑडिट होता है, तो वहाँ पे स्टॉक ऑडिट में इन्वेंट्रीज पे बार कोड लगे होते हैं एंड यू स्कैन इट, मतलब देर आर पीपल हु स्कैन इट एंड डज द ऑडिट, काउंटिंग कर लेते हैं कि हाँ इतनी इन्वेंट्री ये लोग शो कर रहे हैं, इतना स्टॉक बता रहे हैं, इतना वैल्यूएशन है, सही. ऑब्जर्व स्टॉक आई स्टॉक. देखो कंडीशंस को इवेल्युएट करना है, मतलब हम लोगों को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. पता चला कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैम ये तो सैफ्रन है, केसर है, केसर. आपने जब भी कार्टून खोला, कार्टून खोलने के बाद आपने ऐसा जो गुड्स है उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश की, तो ये तो भुट्टे के बाल, मतलब वो मेज के बाल दिखे. यार ये लोग कर सकते हैं ऐसा, बोलेंगे ये तो पेपर है, पेपर दे सकते हैं, पपैया सीड्स, हु नोस. तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि यू नीड टू इंस्पेक्ट, क्योंकि ऑल इन ऑल हमारी जिम्मेदारी क्या है, एग्जिस्टेंस के साथ साथ कंडीशन भी वेरीफाई करने की कि वो आउटडेटेड स्टॉक तो नहीं. So inspect the inventory and last T stands for आपको क्या करना है, खुद आपको टेस्ट काउंटिंग कर लेनी है, ठीक है. खाली खाली मैनेजमेंट की बातों पे भरोसा ना करें. यू योर सेल्फ परफॉर्म
सो यहाँ पे वो लोग ये कह सकते हैं कि फिजिकली वेरीफाई करना है आपको इन्वेंट्री, वहां जाने के बाद वॉट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्क, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करेंगे, लॉजिकली क्या होना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे मोटी नहीं MOIT. एंड देखो बच्चों, लॉजिकल सीक्वेंस बोला तो आपको यही सीक्वेंस में आंसर लिखना है. मैनेजमेंट के प्रोसेस को इवैल्यूएट करो, ऑब्जर्व करो, इंस्पेक्ट करो, खुद टेस्ट काउंटिंग परफॉर्म करो. मैम तो क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगी मैं आपको, इसका क्वेश्चन भी बताऊँ. फिलहाल के लिए 31 मार्च वाला थिंग का तो कंप्लीट है. आप गए हो यहाँ पे, स्टॉक वेरिफिकेशन किया है. केस नंबर 2, 31 मार्च पे लग गया है देश भर में लॉकडाउन. बोला है कि आप सभी लोग अपने घर पे रहें, दिए जलाएं, थाली लेकर के टिंग 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 करें और घर पे रहें, ठीक है, सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखें. 31 मार्च पे लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें, 31 मार्च पे जाना पॉसिबल नहीं ना. वो लोग कहते हैं कि इफ दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसको वो लोग मॉड्यूल वाले लैंग्वेज में लिखो तो बोलते हैं कि इफ इट ऑल इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, क्या लिखते हैं, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्यों हो सकता है, सबसे पहला रीजन लॉकडाउन, दूसरा रीजन कि इन्वेंट्री जहाँ रखी हुई है, सी फॉर एग्जाम्पल वो बॉर्डर्स के यहाँ पे कहीं पे रखी है और वहाँ पे रायॉट्स के कंडीशन, तो वो कंडीशन में वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं. तीसरी, इन्वेंट्री ही कुछ ऐसी नेचर की है कि वो इंफ्लेमेबल गैस है, कुछ ऐसा केमिकल्स है जिसको वेरिफिकेशन करना या फिर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है. तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन 31 मार्च पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना अगर पॉसिबल नहीं है इन्वेंट्री का, तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा पाप. व्हाट इज पाप, आई विल टेल यू. इफ एट ऑल इट इज इम्प्रैक्टिकेबल तो आप करेंगे पाप, दैट इज परफॉर्म. सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी टेढ़ी उंगली से निकालो. Perform alternate audit procedures. Perform alternate audit procedures. So main procedures कहता है कि you visit inventory. If at all you are unable to visit inventory as on 31st of March, perform alternate audit procedures. And this alternate audit procedures can be, सबसे पहला दिस इज नियर एन एग्जाम्पल, रोल बैक प्रोसीजर. देखो 31 मार्च में हम नहीं जा पाए, सो रैंडमली लॉकडाउन खुल गया है ना, आप ऑगस्ट में जा करके इन्वेंट्री वेरीफाई करो. आप गए हो गोडाउन देखने के लिए कब, ऑगस्ट में, द मंथ ऑफ ऑगस्ट. अब ऑगस्ट में और मार्च में अंतर है. ऑगस्ट में आपने देखा कि कंपनी के पास 1500 यूनिट्स ऑफ गुड्स है, बट मार्च के बीच में ऑगस्ट तक कई सारे सेल्स परचेज हो गए होंगे. सो डोंट यू फील, ऑगस्ट में जो आपने देखा उसको प्लस माइनस करेंगे सेल्स परचेसेस एंड यू विल ब्रिंग बैक टू द 31 मार्च का फिगर. दैट इज अ प्रोसेस विच यू नीड टू डू. इफ इट ऑल यू आर परफॉर्मिंग, इफ इट ऑल यू आर कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन एनी अनदर डेट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिकंसिलिएशन. ठीक है, सो यू नीड टू प्लस माइनस रोल बैक करके वापस चले जाए. ठीक है, सो इट इज रोल बैक प्रोसीजर. सेकेंड, आजकल की तारीख में जो हम लोग एक्चुअली करते हैं दैट इज वर्चुअल वेरिफिकेशन. तो कई बार हम लोग कैमराज, फोटोग्राफ्स, कई बार हम लोग CCTVs, इनके दिए हुए फुटेजेस एंड वैसे वेरिफिकेशन करते हैं कि सर हम लोग वर्चुअली वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच कैन बी वर्चुअल वेरिफिकेशन. बट इसमें ना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन, जो मुझे आपको समझाना है. समझो, वर्चुअल वेरिफिकेशन में ना एक फ्लॉ है. सी गाइस, मैंने जैसे ही मेरे स्टाफ को बोला कि बेटा ना वर्चुअल वेरिफिकेशन कर लो, CCTV कैमरा से जा करके वेरिफिकेशन करो, हमारे आर्टिकल, हमारे होनहार आर्टिकल वहाँ पहुँचे एंड मैनेजमेंट को कहा कि सर हमको वर्चुअल वेरिफिकेशन करना. तो मैनेजमेंट ने उनकी उनको क्या कहा कि बेटा एक काम करता हूँ, मैं गोडाउन जाऊँगा ना तभी फ़ोटो क्लिक कर लूँगा, और उस फोटोज़ पे ना, कई बार आपने देखा होगा आजकल के कैमराज में जब भी फ़ोटो क्लिक की जाती है ना, तो नीचे वो कैमरा क्या वो ओप्पो समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, और उसमें नीचे डेट भी आती है, डेट एंड टाइम, राइट. सो जो फोटो क्लिक करते हैं वहाँ पे वो ऐसा ऐसा आता है. सो मैनेजमेंट ने बोला कि देख बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं जा करके वहाँ पे फोटो क्लिक कर लेता हूँ जिसमें डेट और टाइम भी प्रिंट होगा,
तो इवन DSLR से ऐसा करते तो आपको अप्रोप्रिएटली डेट टाइम मिलता, तो ऐसा करके मैं आपको दे दूंगा। मेरे आर्टिकल्स को तो इतना ही चाहिए था, उनको CA फाइनल की क्लासेस अटेंड करने थे। अरे सर डन, अगर यहाँ पे आर्टिकल्स आर सोली बिलीविंग ऑन द फोटोग्राफ्स गिवन बाय द मैनेजमेंट एंड दे से कि ओके इन्वेंटरी वेरीफाई हो गई विदाउट परफॉर्मिंग एनी अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ द सेम, इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस। सो प्रोफेशनल थिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 7। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वर्चुअल वेरिफिकेशन विद द ओपिनियन कि यार आप ये वेरिफिकेशन कीजिए, एविडेंस इज सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे कुछ खामी नहीं होनी चाहिए, यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट द एविडेंसेस विच यू आर ऑफरिंग। सो दीज आर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। मैम अगर इसे सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस मिल गए, यस SAAE ऑफरिंग, नो SAAE नॉट ऑप्टिंग। अगर SAAE मिल रहा है या SAAE नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? मिल रहा है तो दो कुछ नहीं, गो फॉरवर्ड, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। एंड अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव नो अदर चॉइस, मॉडिफाइड ओपिनियन। मैम व्हाट इफ द इन्वेंटरी इज लाइंग एट थर्ड पार्टी, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कंसाइनमेंट पे गुड भेजा है, बेलमेंट पे गुड रखा है, प्लेच करके रखा है गुड्स को, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो चलो इन्वेंट्री नहीं है बट प्लेच करके रखा है गुड्स को, तो क्या करेंगे? तो हम लोग वहाँ पे चार्ज रजिस्टर वेरीफाई करेंगे। हम लोग कई बार इस थर्ड पार्टी पे रखी, थर्ड पार्टी के पास रखी हुई इन्वेंट्री को भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से वेरीफाई करेंगे। सो इन्वेंट्री लाइंग एट थर्ड पार्टी, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे एंड अगर चाहिए तो वहां पे भी वेरिफिकेशन करेंगे, वहां पे भी वेरिफिकेशन करेंगे। एकदम क्लियर है, सुपर इट। सो देयर यू कंप्लीट ऐसे 501 का फर्स्ट वेरी पार्ट इन्वेंटरी। किताब में चले, सो व्हेन द इन्वेंटरी इज मटेरियल, देखो इन्वेंटरी अगर छोटी मोटी है तो इग्नोर। व्हेन द इन्वेंटरी इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करने ही पड़ेंगे रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अटेंडिंग द फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी वेयर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर है तो यू फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस। व्हाट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस? इवैल्यूएट द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस, इंस्पेक्ट एंड परफॉर्म टेस्ट काउंटिंग। मोटी नहीं, MOIT। If not, apply the alternate audit procedures and if saboot are not available, then you need to modify. Modification में दो चीज़ें हम लोगों को लिख करके आनी है। Inventory being material, you give qualification. Inventory being material as well as pervasive, you give disclaimer. क्योंकि material चीज़ों के बारे में आपको disclaimer of opinion, आपको information नहीं मिलेगी। Inventory lying at third party, 505, other audit procedures. Up, last thing, which you need to check. Very beautiful concept. Market is an expected exam question. It is already important marked by me. Samjho. Whenever you are planning to attend the inventory, ठीक है, आप जब भी सोच रहे हो कि मैं ये inventory verify करके आऊँगा, कि कुछ मैं बोल रहे हैं ना कि ये सारे जो cartons भरे हुए हैं, ये inventory है, मैं जा करके वहाँ पर physical verification procedures लगा करके आऊँगा। Whenever you're planning the physical verification of inventory, there are few factors which are required to be kept in mind. What are those factors? Pehla, nature of inventory. Ye inflammatory to nahi hai, counting ho to paayegi na, expert ki zarurat hai kya? To next, to nature of inventory. Stage of completion, aisa nahi hai na, hum to gaye aur maine aapko kaha, are beta aap to zara se delay ho gaye, maine inventory abhi abhi machine mein dal di hai. Ab aap kya bologe? Machine mein andar gayi hui inventory to aap verify kar nahi paoge. So that is the second aspect which you need to keep in mind, stage of completion. Third, FUFA ji, risk kitna hai is inventory ko lekar ke. Fourth, internal control kitne aur kaise applicable hai is inventory ke liye. So that is nature of internal control. Fifth, location, timing ki kis timing pe physical verification karna chahiye. And see that also I was talking, ki 31 March pe kar rahe ho ya other date pe kar rahe ho. And whether perpetual system
automatic system is there for inventory counting or not requirement of an export. So all these things are the factors which you should keep in mind. Lay NS RMM IC PNP. So it is location, export, location, export, nature, stage, RMM, perpetual internal control, perpetual system, and timing of physical ICPT. Likho timing ICPT. Lay NS RMM ICPT. So these are the factors which you should consider. Done, done, done. So I'm not closing this topic off. I want you all to go through one more question. That is, see, intermediate ka November 20 mein pucha hua RTP ka question. And usi attempt mein CA final pe bhi ye logo ne question pucha tha. So 5 marks ka unhone RTP intermediate pe dala tha ye question. And at the same attempt final mein ye question pucha tha. So inter or final goes hand in hand. So ye question I want you all to see. Very beautiful, easy question. Ye samajhne ke baad question easy. So chala, let me make you all see that. Yeah. So this is a case. Case mein simply kya bol karke rakha hai ki koi company ke auditor ho aap and company hai Sweet Aroma Private Limited and unka business kya hai? Unka business hai ki wo rice nikalte hai paddy mein se domestic aur international market dono mein se. Theek. Company ke paas bade bade plants hai for extractions. So yahan pe na bola hai ki company ke paas huge inventory. So now you understand. हम लोगों ने सबसे पहला स्टैंडर्ड का वर्ड देखा था व्हेन द इन्वेंटरी इज मटेरियल यू नीड टू फाइंड आउट ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. गाइस तो ये क्वेश्चन से ही समझ जाता है कि भाई ठीक है यार यहाँ पे इन्वेंटरी मटेरियल. अब इसके बाद क्या बोलता है कि ऑडिटर क्या कहता है, ऑडिटर वॉन्ट्स टू ऑप्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज विथ रिगार्ड्स टू दिस. ओके अब पहला क्वेश्चन. नाउ दिस वॉज अ मियर केस. अब पहला क्वेश्चन वेरी ब्यूटिफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली करेक्ट रिलेशनशिप टू ऑप्टेन to obtaining sufficient and appropriate audit evidences regarding the existence and the condition of inventory. Option A, it is mandatory for the auditor to attend the physical verification counting as on the date of the financial statements in all circumstances. Modi ji keh rahe lockdown hai, hum to jayenge bhai, aisa karenge. Dusra, physical counting may be attended by the auditor on the date of financial statements or at the date other than the financial statements as per his own discretion mandatorily in all the circumstances, मतलब जैसे मन मर्जी कर लो. Option number C, attendance of auditors at physical inventory counting is impracticable due to the time and cost. बोलता है कि यार कौन इतना लंबा जाएगा इन्वेंट्री जहाँ रखा है उसके लिए और पैसा भी बहुत लगेंगे. कॉस्ट, ऑफिस लोकेशन बहुत ही दूर है. हैंस अटेंडेंस एट वेरिफिकेशन काउंटिंग में भी स्किप्ड. बोलता है पैसे बहुत लगने, छोड़ जान दो नहीं करते. एंड ऑल्टरनेटली दूसरा को देख लेते, पाप कर लेते. परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ऑडिट एविडेंसेस. ऑप्शन डी, द ऑडिटर शैल अटेंड एट द फिजिकल वेरिफिकेशन अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. हाउएवर ये जो इशू है, इशू ऑफ टाइम एंड कॉस्ट मे बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द ऑडिट बट दिस के नॉट बी अ वैलिड बेस फॉर स्किपिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन. कि हाँ समय की पाबंदी के अनुसार ये दिक्कत हो सकती है बट इसके बेसिस पे ये नहीं बोलूंगी कि यार इन्वेंट्री भले मटेरियल है बट हम लोग स्किप कर देंगे. बोलो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट चॉइस. ए बी सी इज टोटली इनकरेक्ट. सो व्हाट इज अ करेक्ट चॉइस? ऑप्शन नंबर डी. ये वाले केस में बिलो गिवन अ सर्टन क्लस्टर ऑफ मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ अटेंडेंस फॉर द प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर consist of likely inappropriate combination. Nature of inventory, timing of physical verification, stage of completion of work in progress, nature of inventory, timing of completion, valuation ka method, nature of inventory, timing of physical counting, consideration regarding the perpetual inventory system, risk of material misstatement, nature, consideration regarding the maintenance of perpetual inventory system. Which of the following batao? Option number 2 ka answer. Perfectly identified. Answer B is a right choice. Kyun? Because valuation of inventory is not there in the factors to be considered. Aur question mein unhone kya pucha hai?
इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे मतलब फंस जाते हैं कि यार इनअप्रोप्रिएट पूछा है एंड वो लोग अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करके आते हैं. पहला वाला ही अप्रोप्रिएट लग रहा है तो वो लोग वही सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन पूछा है एंड वैल्यूएशन नहीं था वो लिस्ट ऑफ हम लोगों ने बनाया था ना ले आर एम एम आई सी ये देखो ले एन सी आर एम एम ये वाला पार्ट इसमें वैल्यूएशन नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन रिलेशन टू द अटेंडेंस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी. ठीक है, यहाँ पे आंसर तो आपको आ ही गया होगा, फिर भी हम पढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट काउंट, इंस्पेक्शन, टेस्ट काउंटिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट, इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट. परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट नहीं ना यार, एम ओ आई डी चाहिए, तो सबसे पहला तो एम चाहिए था ना, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, ऑप्शन डी इज अ राइट चॉइस. सो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस को इवेल्युएट करना, ओ से ऑब्जर्वेशन करना, आई से इंस्पेक्शन करना एंड टी से परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट. सो विच इज अ लॉजिकल सीक्वेंस, डी. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बोला मोटी नहीं एम ओ आई डी. मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स ट्राई ट्विस्टिंग द की कोड, ये की कोड को चेंज मत करना. ठीक है, क्योंकि दैट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये सीक्वेंस वाला आंसर है तो ऐसे ही लिखना है. नेक्स्ट ड्यूरिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री का काउंटिंग द ऑडिटर इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री फॉलोइंग आउटकम इज स्टेटेड एज 1, 2 एंड 3. इंस्पेक्शन प्रोसीजर से उनको पता चला एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, कंडीशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू. जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे तो आप क्या चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे. 1, 2 एंड 3 ऑल आर पॉसिबल आफ्टर इंस्पेक्शन. ओनली 1 एंड 3 आर एस्टेब्लिश्ड. Outcome 2 is never established. Outcome 1 and 3 are established, but outcome 2 may not necessarily be established. 2 and 3 are established by inspection. 1 may not be necessarily established. What is the right answer? Very good. Correctly identified. The right answer is option number C. Why not B? Because it is not never wala situation, hai na? So, इंस्पेक्शन से आपको एग्जिस्टेंस पता चलेगा कि हाँ यार इन्वेंट्री है. इंस्पेक्शन से कंडीशन पता चल जाएगा कि हाँ यार इन्वेंट्री ठीक ठाक है. बट ऐसा नहीं है कि आपको ओनरशिप कदापि पता नहीं चलेगा. कई बार ओनरशिप भी पता चल जाता है क्योंकि टैगिंग दिया होता है ना. सो वो लोग बोलते हैं कि 1 एंड 2 आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंस्पेक्शन, बट सॉरी 1 एंड 3 आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंस्पेक्शन, बट 2 मे और मे नॉट बी एस्टेब्लिश्ड. सो आंसर इज सी, वेरी गुड वन. अब आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, रिमेंबर मैंने आपको बोला कंपनी के पास बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो खुद अपने प्लांट से राइस पैडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडिटर दैट आउट ऑफ द टोटल राइस फिजिकली काउंटेड 31 मार्च 2020 पे 67 क्विंटल्स ऑफ राइस बिलोंग टू पी क्यू आर. कोई एक अदर सेपरेट फर्म है पी क्यू आर, जो 67 क्विंटल्स ऑफ गुड्स जो इन्वेंट्री था वो कंपनी में दे करके गए. क्यों? कंपनी के पास बड़ी मशीन है, बोलता है कि हमारा राइस भी एक्सट्रैक्ट करके दो ना. कौन बोलता है? पी क्यू आर प्रोप्राइटरी कंसर्न विच हैज सेंट द पेडी टू द कंपनीज प्लांट एक्सट्रैक्शन. व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम, मतलब जो इन्वेंटरी प्रोप्राइटर ने दिया है कंपनी को, व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में क्या ट्रीटमेंट देंगे वो 67 क्विंटल्स का. ठीक है, the value of 67 quintals of rice will be reflected in the financial statements as per the valuation adopted by company. Company ke financials mein likha ho, company ke methods of valuation ke hisab se value of 67 will be reflected in company's financial statement, but as per the valuation done by the proprietary concern, 67 would not be reflected in the company's financial statements. 67 would be reflected in proprietor's financial statements as per the method adopted by company. कंपनी एक्सट्रैक्शन करके दे रहा है तो हम लोग प्रोप्राइटर को बोलेंगे सुन मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको वैल्यू कर. ऑप्शन नंबर गोज विदाउट सेइंग, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट चॉइस. वो लोग हमारे मेथड को क्यों जज करेंगे? और मेन थिंग है क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द राइस गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट, कंपनी में इसका कोई भी
यस रेफरेंसेस नहीं आए. सो देयर यू कंप्लीट वन एमसीक्यू विद रिगार्ड्स टू एसे 501. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर टू, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स. सो लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, litigations and claims के लिए the assertions which we wanted to carry out evidences for was completeness. completeness. so सबसे पहला step is inquiry करो. inquiry as a procedure. so what you need to do is inquiry जैसे procedures में you have to conduct Q&A session with the management. sir से पूछ लो कि सर कोई cases चालू है क्या. वो जो पुराना litigations 250 के हिसाब से देखा था उसका outcomes क्या है, इसके अलावा कुछ चल रहा है क्या. so there can be two outcomes. what outcomes can be? दो outcomes ये रह सकते हैं कि management agrees to give you information. Management may not agree. Management will say, sir, I'm so sorry. This is something confidential. ये company के आबरू के against हो जाएगा. So हम ये information नहीं देना चाहते. अगर management denies, तो evaluate the reasons behind the denial. Evaluate the reasons of denial. But ये denial के बाद आप शांत नहीं बैठोगे. You will apply up alternate audit procedures to find out evidences. मैम नहीं मिला तो again that will call for modification depending upon कि ये information कितना pervasive लग रहा है. But मैम if at all they agree, वो लोग हाँ कह रहे हैं. So you try evaluating that evidences, you try checking up ki kya information as on 31st of March available hai, koi events adjusting karna hai nahi karna hai, so on and so forth. step 2, mam paap mein hum log kya procedures kar sakte hain. paap mein aap check kar sakte ho legal expense account. aap baat kar sakte ho legal counsel se, lawyers se. aap expert opinion ले सकते हो. बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या बातें चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई केस वगैरह के बारे में उल्लेख किया है क्या. तो ये सारा चीज़ आपको करना है एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है. कहाँ थे हम लोग, लास्ट वाला पॉइंट वाज रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, वो लिखा नहीं हम लोगों ने. Written representation. Okay. So ultimately, what all steps will you do? Inquire from the management, legal counsel, external lawyers. If at all the management agrees, evaluate the correctness of the information achieved. Management refuses, aap karna padega. Aise A not obtained, then modification. You also evaluate the minutes. You also check the communication between TCWG and legal counsel. Counsel. Review the legal expense account. Why? अगर खर्चा ज़्यादा हुआ है, I told you this is an indication कि कोई तो laws and regulations में उल्लंघन हुआ है, कोई case या कुछ some other thing is pending. Assessment is pending. Obtain the return representation. So these are the procedures wherein you will find out the information with regards to litigations and claims are complete. So ma'am, why ain't we completing this with 250? 250 was considerations of loss. 500 is completeness of the information with regards to litigation. कि जो भी information है सब कुछ आपको पता होनी चाहिए. That is completeness. Last but not the least is segment reporting. Again a beautiful standard, beautiful topic to study. Segment reporting में which assertions were we trying to find evidences for? Yes, presentation and disclosure. So it is segment reporting and we talk about
presentation and disclosures. So point number one, presentation and disclosure में we always have to see AFRF की standard, accounting standard, जैसे कि accounting framework है, how that framework wants the entity to present the financials या फिर present the segment reports, ठीक है? So what are your objective? Your objective is to verify compliance with the respected AFR. It can be AS-17, could be Ind AS-108, whatever the case is, ठीक है? Okay. अब देखो, मैनेजमेंट जब भी कोई मेथड अडॉप्ट करता है उसके पीछे उनकी कुछ अजम्पशंस, एस्टिमेशंस, अंडरस्टैंडिंग होती है. सो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है. सो व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव? सो वी नीड टू फाइंड आउट एविडेंसेस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFR. कूल. ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट क्या सोच करके इस मेथड के बेसिस पे सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन को बाइफर्केट कर रहा है. सो हाउ विल वी डू दैट? इवैल्यूएटिंग द मेथड्स. जो जो डिस्क्लोजर्स इन्होंने दे करके रखे हैं AFRF के, वो इवैल्यूएट करो. मैंने कहा ठीक है. एंड टेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ सर्च मेथड्स. जैसे कि उन्होंने बोला कि मैडम, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ फलाना फलाना क्राइटेरिया किया है कि 30-70 के बेसिस पे हम लोगों ने सेगमेंट्स को डिवाइड किया है, ये सेगमेंट्स को ऐसा ऐसा किया है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो हम लोगों ने इनकर किया वो अलोकेट नहीं किया है. तो जो भी मेथड है उसको अप्लाई किया है कि नहीं, ये वेरीफाई करो. तो दो चीज़ का आपको एविडेंसेस खोजना है. पहला, इवैल्यूएट द मेथड, मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड लिया है. दूसरा, जो भी मेथड उन्होंने लिया है अप्लाई किया है कि नहीं किया. मैम, हम लोग कैसा टेस्ट कर पाएंगे कि इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया है और जो भी मेथड यूज़ किया है सही है कि नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ सेम. सो देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रेलिवेंट मैथड मैटर्स विच यू शुड कंसिडर वाइल इवेल्यूएटिंग द मेथड्स अप्लाइड. आपको ये चेक करना है कि यार सेल्स का, ट्रांसफर का, जो भी सेगमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुए उसको कैसा ट्रीट किया. आप कंपेयर कर लीजिए सेगमेंट का बजट एंड एक्चुअली जो सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन है उसको. अलोकेशन कैसा किया है कॉस्ट का, असेट्स का, अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स. कंसिस्टेंसी है कि नहीं. लास्ट टाइम जो भी सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाया था उसका जो बाइफर्केशन का ट्रीटमेंट था, इस साल जो बाइफर्केशन का ट्रीटमेंट है ये सही है या नहीं. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? पहला, यू नीड टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड फॉर क्राइटेरिया, मेथड क्राइटेरिया फॉर प्रेजेंटिंग द सेगमेंट रिपोर्टिंग. तो व्हाट यू नीड टू डू इज इवैल्यूएट सर्च मेथड्स वेदर इट इज एज पर AFRF ऑर नॉट. टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सर्च मेथड्स. मैम, इसको करने के लिए कोई सेपरेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है क्या कि ये मेथड्स चेक, ये मैटर्स चेक करना पड़ेगा? है, चार है. दिस इज पैरा नंबर 827 ऑफ ऑफ SA-501. तो क्या कहते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर्स विच आर रेलिवेंट फॉर ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज. के मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड यूज किया है. सेल्स, ट्रांसफर, बिटवीन द सेगमेंट्स, प्रेजेंटेशन, असेट अलोकेशन, कंपेरिजन, कंसिस्टेंसी, ये सारा वेरीफाई कर लीजिए. एंड देन ये सब होने के बाद यू ऑल्सो ट्राई अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंडस्ट्री की सेगमेंट रिपोर्ट से कंपेरिजन कर लीजिए. कोई इकोनॉमिक ट्रेंड, सी फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया में रायऑट्स हो गए हैं तो उस रायऑट्स या फिर जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो जोन का सेगमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको वेरीफाई कर लीजिए. सो दीज आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. क्यों कर रहे हैं ये सब? इन ऑर्डर टू वेरीफाई, यहाँ पे लिखो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट रिपोर्ट्स. कूल. सो देयर वी कंप्लीट टोटली ऑल द थ्री असर्शंस विथ रिगार्ड टू द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जैसे मैंने आपको कहा था, दीज आर द थ्री. तो वन हो गया, टू एंड done. This is the happy ending of SA-501. Rolling. Action. Hello everyone. I hope you all are studying good. मैं afresh यहाँ से start कर रही हूँ तो आगे का editing करेंगे. Alright? Let's get started. 10 crores का cut. Cut, restart. Cut, restart. 701 करना है, 710 करना है. सूख रहा है. कट.
चल ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर।